मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम संधि का टॉपिक कर रहे थे और संधि में हमने संधि की परिभाषा, उसके प्रकार, संधि कहाँ पर होती है और संधि के कितने भेद हैं, ये सभी अभी तक हमने वीडियो में पढ़ा था। आज जो संधि का विषय है वो है स्वर संधि का, और स्वर संधि के जो छह भेद बताए गए हैं उनमें से हमने दीर्घ संधि को उदाहरण सहित समझा था, परिभाषा सहित समझा था। आज जो स्वर संधि का दूसरा भाग है गुण संधि, हम उसके विषय में, उसका क्या रूल है, उसका क्या नियम है, ये सभी पढ़ेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा पहले भी स्पष्ट की थी, एक बार फिर स्पष्ट कर देती हूँ। दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के आपको छह भाग बताए थे, हमारा दीर्घ संधि हो चुका है। तो बेटा आज करना है हमें गुण संधि। गुण संधि की जो परिभाषा है वो है ए आ के बाद ह्रस्व ई ऊ री वैल री आए तो दोनों मिलकर गुण, गुण कौन से, ए ओ अर तथा अल हो जाते हैं। क्या मतलब, इसका क्या अर्थ है, बताया गया है कि यदि हमारे पूर्व पद में ए या आ आए और उसके जस्ट उत्तर पद में ई ऊ ह्रस्व दे रखे, ह्रस्व ई ऊ री वेल री आए तो दोनों को मिलकर गुण हो जाता है। गुण क्या बेटा, गुण यानी कि अगर हमारा ए या आ के बाद ए से कोई वर्ड बनता है, कोई शब्द आया है तो उसको हो जाएगा ए, और अगर ए और आ के बाद ऊ आता है तो उसको बन जाएगा ओ, यानी कि जब हम समस्त पद बनाएंगे तो ओ की मात्रा लग जाएगी। इसी तरह ए और आ के बाद यदि आ जाता है ह्रस्वरी तो उसको बन जाता है अर, और ए और आ के बाद आए री तो उसको अल, यानी कि कंडीशन क्या है कंडीशन बताई है कि हमारे पूर्व पद में ए और आ ही होना चाहिए, इससे भिन्न, इससे अलग कोई स्वर नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पूर्व पद में ए आ को छोड़कर आपकी ये ई आ जाए और बाद में भी आ जाए तो वो आपका गुण संधि, वो आपकी दीर्घ संधि का नियम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं आज गुण संधि, ठीक है। तो गुण संधि में आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, फिर मैं आपको उदाहरण सहित इनके उदाहरण बताऊंगी। यदि हमारे पूर्व पद में ए है अंतिम वर्ण और उत्तर पद में प्रथम वर्ण ई है तो उसको बन जाएगा ए, अगर हमारा पूर्व पद में ए है या कोई आ जाए और उत्तर पद में ऊ हो, और हमेशा क्या कंडीशन है, ह्रस्व ही आने चाहिए, इनसे अलग आपका कोई स्वर आएगा ही नहीं, और इनसे तुरंत बाद यानी कि उत्तर पद में यही होने चाहिए, ठीक है, तो उसको बन जाएगा ओ, और आ और री अगर आ जाए आपके तो उसको अर, और अ और री आ जाए तो अल। अब देखिए इनको उदाहरण सहित समझते हैं कि इनको गुण होता कैसे है, ठीक है। तो एक जो पहला मैं उदाहरण लेती हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर नर प्लस इंद्र है, ठीक है बेटे। अब र क्या है, इस र में क्या मिला हुआ है, ए, ठीक है। इस ए के बाद क्या आया है, हमारा कौन सा स्वर आया है, ई, देखिए ये बताया है ना, या तो हमारा पूर्व पद में ए आई या आ, उसके बाद ह्रस्वरी आएगी तो उसको ए हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या बन गया, ये नरेंद्र। मैं बार बार आपको ये बार बार रिपीट नहीं करूंगी कि इसमें हमने, यहाँ पर हमारा स्वर ए था, इधर ई था,
इनको हटा के ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि बेटा आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई है ये बार बार, ठीक है। तो आप स्वयं भी कोशिश करो कि जैसे मैंने बताया उसी तरह समझ के उसी तरह बनाने की। फिर है दूसरा, ये तो हमारा हुआ, अगर ए या आ के बाद ई आ जाए तो उसको ए हो जाता है, हो गया ना। नर प्लस इंद्र है, क्या बन गया, नरेंद्र है, ठीक है। अब सेकंड जो है वो क्या था, ए आ के बाद ह्रस्व ऊ आ जाए तो उसको ओ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल लिखती हूँ, बेटा इसका भी यही एग्जांपल होगा, आप कोई दूसरा एग्जांपल बना सकते हो। जैसे यहाँ मैं ये बना सकती हूँ, ये सेम है, रमा प्लस ईशा है तो क्या बन जाएगा, रमेश है। ये ए वाला ही एग्जांपल उदाहरण, ये ए वाला है, ठीक है। ओ का लेते हैं, ओ का हम लेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया पर प्लस उपकार है, ठीक है। यहाँ ए था, इधर ऊ था, क्या बनना था उसको, उसको बनना था ओ, तो हमारा क्या समस्त बन जाएगा, प्रोपकार है, बना पर प्लस उपकार है, प्रोपकार है, ठीक है। फिर इसके और भी बहुत से आप उदाहरण देख सकते हो, जैसे होली प्लस उत्सव है, होलिकोत्सव है बन जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमारा ए आ के बाद ह्रस्व री आ जाए तो उसको अर बन जाता है, ये ध्यान से देखना, इसमें मिस्टेक करते हो। मैंने लिखा यहाँ पर महा प्लस ऋषि ही, ठीक है, इसमें आ था इसमें री थी, इसको साउंड किसकी आई, अर की आ गई। कैसे लिखेंगे, मैं है में आ और इधर री, ये तो समाप्त हो गए, उसको बन गया अर। अब अर जो था ये था आपका हलंत, हलंत मीन्स जो रह है ये आपका अधूरा है, आधा है। जब आधा रह है तो वो कहाँ पर चढ़ेगा, हम इस री को हटा के शी लिख देते हैं और यहाँ पर जो हमारा रह था ये हमारा यहाँ चला गया। इसको बोल के देखोगे तो साउंड में आपको पता चल जाएगा महर्षि, अर की साउंड आ रही है ना, बताया भी यही है कि आ और री अगर आ जाए तो उसको अर बन जाता है, तो महर्षि बोल के देखो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि अर ही आया हुआ है, ठीक है। फिर है बेटा लास्ट इसका, यदि अ या आ के बाद री आ जाए तो उसको अल, उसको अल की साउंड हो जाती है। देखिए उदाहरण क्या है, तव प्लस ली कार है, ठीक है, नियम यही है, ए या के बाद ली आ जाए तो उसको क्या हो जाएगा, अल। अब देखो यहां पर ते हमारा यू का यू आएगा, ठीक है, वह भी यूँ आएगा, लेकिन इसके अंदर जो हमारा स्वर था और ये इधर ली था उसको अल बन जाता है, ठीक है। तो अल भी क्या, अधूरा आधा, तो ल क्या आ जाएगा यहाँ पर, आधा, तव लकार है, ये बन गया ना। तो ये आपकी गुण संधि के बेटे नियम थे, उदाहरण थे। एक बार फिर से आपको इसी संधि के विषय में एक बार फिर से बता देती हूँ कि गुण होता क्या है। गुण संधि में बताया है कि ए आ जो पूर्व पद है वो हमारे उसमें क्या होने चाहिए, ये दो स्वर होने चाहिए, इनसे अलग नहीं स्वर होने चाहिए, ये जो ये स्वर हैं ये आपके पूर्व पद में नहीं होंगे। अगर ये पूर्व पद में आपके आ जाते हैं तो वो गुण संधि नहीं होगी, ठीक है। बताया क्या है कि हमारे पूर्व पद में ये दोनों ही स्वर होने चाहिए, इनसे अलग स्वर नहीं हो, और उत्तर पद में ई ऊ री वल री ह्रस्व स्वर कोई भी आ जाए तो उनको अलग अलग गुण हो जाता है। गुण क्या हो जाता है कि अगर ए आ के बाद हमारी ई से कोई वर्ड बन रहा है तो उसको हो जाएगा ए,
और अगर ए आ के बाद हमारा उ आ जाए तो उसको साउंड हो जाएगी ओ की, और आ या ए के बाद री है तो उसको अर, और ए या आ के बाद ली है तो उसको अल। ये यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण समेत उदाहरण अच्छे से समझाए हैं। तो बार बार आपको एक ही बात बोली जाती है बेटा, जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसका अभ्यास करोगे, आपको संधि उतनी ही अच्छी आएंगी। अगर आपने एक दिन या दो दिन बीच में मिस कर दिया, इसको देखा नहीं, जो समझाया गया है उसको पढ़ा ही नहीं, आपने एक रीडिंग नहीं ली, तो ये समझो कि ये सारी मिक्सअप हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और जितना आप प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, उतने ही आपको माइंड में ये आपकी क्लियर हो जाएंगी। मतलब आपको बिल्कुल भी किस का क्या नियम था आप देखते ही, ये भी आप एग्जांपल देखकर भी बता सकते हो फटाफट कि मैम ये एग्जांपल तो गुण संधि का था, क्योंकि इसमें नरेंद्र, इसमें ए की वो आ रही है साउंड, और आपको पता है ए और आ के बाद अगर ई आता है तो ए आ जाता है, ठीक है। तो बेटा ये गुण संधि और दीर्घ संधि स्वर संधि के दो पार्ट मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दो दो पार्ट लेके चलेंगे, तो आप इनको तब तक अच्छे से पढ़ो, इनकी परिभाषा देखो, इनके रूल रेगुलेशन नियम जो भी हैं उनको याद करो।